नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। खास तौर से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको जीव्यात भारत वर्षम अर्थात भारत वर्ष अमर रहे इसके विषय पर चर्चा की है और हमने आपको उसका जीवन परिचय में बताया कि प्रस्तुत गीत जो है वो डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत गीताली नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। छात्रों, डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ, शोध लेख, कविताएं, अपने नाटक, गीत आदि अपने लेख में लिखे हैं। प्रस्तुत कविता जो है उसके प्रथम पद में भारत की सुंदरता, मनोरमता एवं भव्यता का कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। कवि ने बताया कि हिमालय भारत का शुभ किरीट है, यानी ललाट है, माथा है। जो हिमालय है वो हमारे भारत वर्ष का माथा है और जिस पर पड़ती उदीमान सूर्य की किरणें, उदीमान अर्थात उगते हुए सूर्य की किरणें मणियों की समान चमकती हैं, शोभायमान होती हैं। और समुद्र इसने कल्लोल रूपी हाथों से सदा इस भारत वर्ष के पैरों को धोता है और नदियां जो हैं उसके वक्ष स्थल पर पड़े हुए हार के समान हैं और हरे भरे वन प्राण इसके परिधान के रूप में सुशोभित होते हैं। तो छात्रों, आगे के श्लोक में क्या बताते हैं उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा जिव्यात भारत वर्षम का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या एवं विशेष पर हमने प्रकाश डाला। नौ छात्रों, श्लोक नंबर 3 ध्यान से सुनिए। सरितो वक्षसि हारा विंध्यो भाति मेखला मानम पल्लो लसिता निबिड वनाली रुचिरम नौ परिधानम आस्ते कवि कुल मत्स्य मनोरम रूप वर्णने लीनम। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सरितो वक्षसि हारा विंध्यो भाति मेखला मानम पल्लव लसिता निबिड वनाली रुचिरम नौ परिधानम आस्ते कवि कुल मत्स्य मनोरम रूप वर्णने लीनम। नौ छात्रों, श्लोक का संलाप करने के लिए हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए निम्नलिखित बातों को अर्थात इस सूत्र को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। नौ छात्रों, अन्वय देखिए श्लोक का। अस्य वक्षसि सरिता हारा संति विंध्या अस्य मेखला मानम भाति पल्लव लसिता निबिड वनाली अस्य रुधिरम नौ परिधानम अस्ति कवि कुलम अस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम अस्ति। नौ छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ का जान लीजिए। व्याख्या जानने से पहले हमको संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ प्रस्तुत है कि प्रस्तुत गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा रचित गीताली से हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य विभूषण के सप्तमा पाठा जिव्याद भारत वर्षम नामक शीर्षक से लिया गया है। इस अवतरण में छात्रों, भारत वर्ष चिरकाल अर्थात लंबे समय तक स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र होकर अमर रहने का चित्रण किया है कवि ने यहाँ पर। नौ छात्रों, हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। अस्य यानी इसके किसके भारत वर्ष के वक्षसि यानी छाती पर, सीने पर, सरिता यानी नदियां, हारा संति यानी हार के समान सुशोभित होती हैं। तो क्या बता रहा है छात्रों यह बोल रहे हैं कवि कहते हैं कि नदियां जो हैं वो भारत वर्ष की छाती पर हार के समान सुशोभित होती हैं। सुशोभित होना यानी सुंदर दिखती हैं। विंध्या अस्य मेखला मानम भाति विंध्या अर्थात विंध्याचल पर्वत अस्य यानी इसके मेखला मानम यानी करधनी के समान भाति यानी सुशोभित होता है। तो अर्थात विंध्याचल पर्वत जो है
इस भारतवर्ष की में कर्दनी के समान सुशोभित होता है। और पल्लव लसिता निबिड वनाली अस्य रुधिरम नौ परिधानम अस्ति। पल्लव यानी कोमल सुंदर पत्ते। छात्रों आपको बता दें कि कोमल पत्ते जो होते हैं वो लाल रंग से होते हैं, हल्के ब्राउनिश हल्के रेड रंग के होते हैं। तो छात्रों यहाँ पल्लव यानी कोमल पत्ते जो नए नए आते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि पल्लव लसिता निबिड वनाली यानी कोमल पत्तों से सुशोभित, निबिड वनाली यानी घनी वन पंक्तियां, निबिड यानी घना, वनाली यानी वन पंक्तियां, तो घनी वन पंक्तियां अस्य यानी इसके रुधिरम यानी लाल रंग के समान, नौ परिधानम यानी नया नया वस्त्र अस्ति यानी है। तो वो कह रहे हैं कि कोमल पत्तों से भरी घनी वन पंक्तियां जो हैं इसके नए पत्तों के समान, नए परिधानों के समान, नए वस्त्रों के समान सुशोभित हो रही है। कविकुलम यानी कवि कुलों का, कविकुलम यानी कवियों का जो समूह है या कुल है या ग्रुप है, अस्य मनोरम रूप वर्णन यानी इसके सुंदर रूप का वर्णन करने में, लीनम अर्थात डूबा हुआ, आस्य यानी है। तो कवियों का जो समूह है छात्र वो इसके सुंदर रूप का वर्णन करने में डूबा हुआ है। नौ छात्रों इसका लिखा हुआ व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर कवि ने व्याख्या बताई है। कवि कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के वक्ष स्थल पर नदियां हार के समान सुशोभित हो रही है और विंध्याचल पर्वत इसकी कर्दनी के समान सुशोभित होता है। कोमल पत्तों से शोभित घनी वन पंक्ति इसका सुंदर नवीन वस्त्र है और कवियों का जो समूह है वो इसके रूप सौंदर्य के वर्णन करने में लीन हो रहा है, अर्थात डूबा हुआ है, समाया हुआ है। नौ छात्रों इसमें विशेष है कि कवियों का कुल जो है, पूरा कुल समूह जो है वो भारतवर्ष की रूप सुंदरता का वर्णन करने में तल्लीन है। छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने यह जाना कि भारतवर्ष के छाती पर नदियां हार के समान सुशोभित होती हैं और विंध्याचल पर्वत जो है वो कर्दनी के समान सुशोभित हो रहा है। साथ ही साथ कोमल पत्तों से भरा घना वन संप्रदाय या घनी वन पंक्तियां इसका सुंदर नवीन वस्त्र हैं और कवियों का जो कुल समूह है वो इस भारत वर्ष की सुंदरता के वर्णन करने में डूबा हुआ है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।